वैसे तो ये व्लॉग डालने का मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं था, क्योंकि बहुत लेट मैं इसको शेयर कर रही हूँ, बट फिर भी आप लोगों ने इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया मेरे शॉर्ट्स पे, तो मैंने सोचा क्यों ना व्लॉग भी बना देते हैं। तो देखो गाइज, ये मिठाई और ये पैसे मैं दे रही हूँ, हमारे यहाँ जो आंटी आती है ना बर्तन के लिए, उनको मैं दे रही हूँ। उसके बाद मैंने जल्दी से बनाया खाना, और आज थी छोटी दीपावली और आज ही हम लोग घर के लिए निकल रहे हैं। फटाफट से मैंने सारा खाना बनाया, और मेरी बहन भी आई हुई थी, वो भी हमारे संग जाएगी, उसके लिए भी खाना बना दिया। फिर फटाफट से हम तैयार होकर के 2 बजे बैठ गए भाई गाड़ी में और निकल दिए हम। पहले हमें जाना था भरतपुर इसको ड्रॉप करने के लिए, उसके बाद हम गांव के लिए निकलेंगे। तो हम एक जगह पर रुके थे चाय पीने के लिए, और जब भी हम जाते हैं इसी रूट से होकर के जाते हैं, तो इन भैया की चाय हम हमेशा पीते हैं, काफ़ी अच्छा टेस्ट लगता है। और स्पेशली कुल्ली की चाय तो भाई मुझे तो बहुत पसंद है, और राज को भी बहुत पसंद है, स्पेशली हम लोग कुल्ली की ही चाय पीते हैं। वैसे मेरी बहन आपको व्लॉग में बहुत कम देखने को मिलेगी, क्योंकि वो ऑल टाइम मतलब सारे रास्ते ना वो सोती हुई जाती है गाड़ी में। मैं भी जब होती हूँ ना अकेले, अब मैं आगे सीट पर बैठी हूँ, अगर मैं पीछे की सीट पर बैठती हूँ ना तो मैं भी सो जाती हूँ, बट जो कंडक्टर सीट पर बैठा है भाई उसको तो जागना ही पड़ेगा, वरना ड्राइवर को नींद लगने लगेगी। बाय द वे, अब हम भरतपुर में एंटर कर चुके गाइस, ये लड़के हमारे साथ आई है, लेकिन आपको बिल्कुल भी दिखी नहीं होगी क्योंकि ये सोते हुए आई है सारे रास्ते। गाइस सब्सक्राइब करो सुरभि सोनी चैनल को, पूरे 16 वीडियो है उस पे। पूरे 200 सब्सक्राइबर है लड़की, नहीं 500 है यार, 500 हो गए और क्रॉस हो गए, 1000 ऊपर है ये ज्यादा हो गया, एक्सपेक्टेशन से 500 सब्सक्राइबर है। इस लड़की ने 100 सब्सक्राइबर पे भी केक कट कर दिया था, करे या? करा yes. था क्या? करा था 500 पे भी करूंगी मैं, टाइम नहीं मिल रहा है बस इस और ऐसे ही बस एक बार मैं 13 प्रो मैक्स ले लूं, फिर मैं मेरा वीडियो स्टार्ट करूंगी। आप लोग मेरे वीडियो को बहुत प्यार देते हो, थैंक यू सो मच, थैंक यू तनु। ओ दीदी वो हो रहा है नानी से। प्याली कन्नू देखो नए कपड़े नए नए कपड़ों पे लेटने का शौक। यार तू तू तूने आज तो क्या ना तू नहीं करवाया, जो करवाया इससे मेरे लिए भड़काती है तू इसको। ये बैग क्यों जा रही हो बाजार, क्यों जा रही हो बाजार बताओ? लक्ष्मी जी गणेश, अरे कल जाना है, बहुत भीड़ है दिन में। चलेंगे मम्मी सुबह, अब मत जाओ रात में, पहले बता रही हूँ बहुत भीड़ है बाजार में। साथ में जुड़ जाऊंगी कल चलेंगे पक्का, 7 बजे दुकान तो खुल जाती है, दुकान हम बाहर बैठ जाएंगे ना शॉप के, दुकान तो खुल जाए तो कल जाना। मम्मी देखो, जाना मम्मी देखो, देखो प्यार देखो, प्यार प्यार देखो, भीड़ नहीं रहेगी कोमल बाबू। मम्मी रात हो रही है, बहुत ट्रैफिक है मार्केट में, मैं बता रही हूँ। ऐसे कह रही है हमका ट्रैक करके बीच में जा रहे हैं, नहीं तो मत। तो गाइस मुश्किल से 15 मिनट हम लोग रुके थे घर पे, और आधा घंटा आप मान सकते हो चाय वगैरह पी, थोड़ा सा बातें बातें की, और उसके बाद हम निकल लिए गाँव के लिए। काफी ज्यादा लेट हो चुके थे गाइस, और जितना हमने सोचा था ना उससे हमें मतलब हमने सोचा था कि 3 घंटे लगेंगे, 3 क्या 2.5 ही घंटे लगते हैं जब भरतपुर पहुंचने में, बट इस बार 3.5 घंटे लग गए क्योंकि ट्रैफिक इतना ज़्यादा था, और दिवाली थी तो हर कोई अपने घर जाता है तो इसलिए ट्रैफिक तो रहना ही था। काफ़ी लेट हो रहे थे घर पहुंचने में, एक जगह पे हम रुके, थोड़ा सा फ्रेश वगैरह हुए, उसके बाद हमने चाय भी पी वहाँ पे, सॉरी कॉफ़ी पी, और मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी यार, लिटरली बहुत ज़्यादा थक गई। इतना ज़्यादा मेरा फोन का स्टोरेज फुल है कि मैंने इसकी जो नहीं इसकी जो क्वालिटी है ना वो 4K से हटा के 180p पे कर दी। कितने बजे के चले हम लोग? 2 बजे के निकले घर से, 2 बजे के चले हैं और अब 7 बजे। सच में बैंड बज रही है, 8:30 पौने नौ बज रहे हैं, बहुत ज़्यादा थकान हो रही है। तो इसलिए हम कॉफ़ी पीने रुके हैं, और इसके बाद अब डायरेक्ट घर। चाची के पास आए हैं, और चाचा से हम डर रहे हैं।
नाम बताओ तुलसी, तुलसी है तुलसी। अच्छा मम्मी कौन सी बता, मेरे से उसको डर नहीं लग रहा, तुमसे लग रहा। तुम चाय पियोगे? सो हम पहुंचने में काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए थे, उसके बाद चाय पी के जस्ट सो गए गाइज। उसके बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मैं यहाँ पे शूट कर रही हूँ दिवाली वाले दिन, यहाँ पे हैप्पी दिवाली आप सभी लोगों के लिए। ओ इतना रही है, इतना रही है, ए? अपने आप को देख के यूँ कर रही है। ये कौन है भाई, कौन है ये? ये तुलसी है। अरे ये तुलसी है क्या बाबू? ये तुलसी है, तुलसी है, तुलसी है। उसके बाद हम चले गए गाइस पूरे गांव के मंदिरों में पूजा करने के लिए। यहाँ पे रिवाज है पूरे पितरों की पूजा होती है और मैं वहाँ पे पितरों वाला ही शूट कर पाई हूँ। मंदिरों में इतनी ज़्यादा भाई भीड़ हो रखी थी कि मैं शूट बिल्कुल भी नहीं कर सकी और एज ए बहू मैं कर भी नहीं पाई। तो उसके बाद पितरों की पूजा करने के लिए जैसे जाते हैं अपने खेतों वगैरह पर, वहीं मैं जा रही हूँ। अच्छा मेरे घर की साइड ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये शायद गाँव के लोगों में ही रिवाज होता है। तो जो भी है वो मैं करने के लिए चली और राज को मैंने फ़ोन पकड़ा दिया। और आगे आगे जो चल रही है वो है मेरी सिस्टर इन लॉ, पीछे पीछे मैं चल रही हूँ। और मुझसे साड़ी यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं संभल रही थी क्योंकि छोटे छोटे जो पौधे थे ना वो पैरों में अटक रहे थे बहुत ज़्यादा। तो मेरी सिस्टर इन लॉ जो है वो मेरे लिए जगह करती जा रही थी कि कहीं भाभी की साड़ी यहीं पे ही नहीं अटक जाए। जो भी कुछ रिवाज है लेकिन मुझे इसे करने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है। ये देखो कुआ, मैंने जाने कब कितने दिनों बाद यहाँ पे कुआ देखा होगा यार, इतने कहाँ मिलते हैं शहरों में कुएं हुए कुछ भी नहीं है। आके खाना वाना खाया, उसके बाद हमने करा थोड़ी देर रेस्ट। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम होता है हमारे पास, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है क्योंकि शहरों में जो काम होते हैं वो बहुत ज़्यादा लेट स्टार्ट होते हैं हमारे 7-8 बजे से, और यहाँ पे सुबह 5 बजे से ही सारे काम स्टार्ट हो जाते हैं। तो भाई यहाँ पे मैंने सोचा थोड़ा सा रंगोली वगैरह लगा लेते हैं, कुछ डेकोरेशन कर देते हैं। तो मैं जो रंगोली वगैरह लेके गई थी यहाँ से वो सारी ही मैं यहाँ पे लगाने लग रही हूँ, एंड बहुत सुंदर सी रंगोली भी बनाऊँगी, वो आप देखते जाओ व्लॉग में।
गाइस ये थे हमारे आज के कैमरामैन। शाम को सोचा कुछ ना कुछ तो और करते हैं भाई, रंगोली वगैरह बनाते हैं, बट यार घर में कुछ भी फ्लावर्स वगैरह नहीं थे। राज को भेज के पर्सनली मैंने इसी के लिए फ्लावर्स मंगाए एंड बहुत ही प्यारी सी रंगोली बनी। घर में ये पेड़ वगैरह है तो इसकी पत्तियों को अभी मैंने यूज़ करा और बहुत सुंदर लग रही थी। इस पर मैंने कुछ वैसे मोम वाले दिए रख दिए और साथ में कुछ मिट्टी वाले दिए रख दिए, तो बहुत ही सुंदर लग रहा था इसको जब मैंने दिए जलाए थे ना, इसमें फोटोज़ वगैरह क्लिक करे तो बहुत सुंदर आया था गाइस। कोई ना पप्पी लाई है, तुमने लाई है, मैं हो गई लाल लाल, क्या हो रहा है? ये देखो ये हरकतें हो रही है बच्चे के साथ है। तो गाइस अभी ऊपर जा रहे हैं पटाखे फोड़ने के लिए, पूजा कर ली है, ये रंगोली बनाई थी बहुत ही प्यारी थी, मैंने आपको दिखा दी थी ना, और पूजा भी कर लिया हमने, अब हम ऊपर जा रहे हैं पटाखे फोड़ने। गाइस देखो ये मेरी पूरी साड़ी, अभी मेरा फुल लुक दिखाएंगे, और ये जो लाए थे पहनने के लिए वो इन्होंने पहना नहीं है। ये इन्होंने पहना नहीं है, कल पहनोगे उसको, और कल के लिए मैं कुछ नहीं लाई हूँ। मैं तो सूट लाई हूँ, नहीं नहीं वो ही पहनूंगी बस। एंड दिस इज माय फाइनल लुक, मेरा लुक दिखा दो लोगों को बस।